हेलो एवरीवन आप सबका स्वागत है आर आर और टेक्नीशियन 2018 का सी बी टी वन का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं जिसमें 9 से लेके 29 अगस्त तक का सारा शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं इस अगस्त का पहला शिफ्ट का भी सॉल्यूशन कम्प्लीट हो चुका है इसका वीडियो भी प्ले में मिल जाएगा आज के क्लास में तीस अगस्त का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे शुरू करते हैं उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे बढ़ते हैं अगर यदि a, a प्लस एक बट्टा ए बराबर एक है तो ए क्यूब प्लस एक बट्टा ए क्यूब का मान क्या होगा ठीक है इसका फॉर्मूला होता है इसको लिख देता है, है यहाँ पर याद रखिए अगर a, plus a, तो a प्लस एक बट्टा ए का वैल्यू k रहेगा तो एक क्यूब प्लस एक बट्टा ए क्यूब का वैल्यू कितना होगा a का क्यू करेंगे माइनस थ्री के ठीक है और दूसरा माइनस वाला भी पूछेगा यानी कि a माइनस एक बट्टा ए का वैल्यू दिया रहेगा और पूछेगा ए क्यूब माइनस एक बट्टा ए क्यूब का मान क्या होगा तो यहाँ पर देखिए के का क्यूब माइनस थ्री के के हैं तो यहाँ पर के का क्यूब प्लस थ्री के करेंगे ठीक है तो ये हो गया प्लस वाला और ये हो गया माइनस वाला तो सवाल में प्लस वाला पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा वैल्यू के क्यू माइनस थ्री के के का वैल्यू कितना है एक है तो एक का क्यूब करेंगे माइनस थ्री के करेंगे थ्री के के मतलब एक ही है के का वैल्यू एक होगा तो यहाँ पर एक माइनस तीन करेंगे तो एक माइनस तीन कितना हो जाएगा माइनस दो तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं यदि टेन थीटा बराबर एक बट्टा रूट पाँच है तो कौशे स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा देखिए कौशिक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा का भी निकाल लेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन ठीक है यहाँ पर देखिए टेन थीटा का वैल्यू एक बट्टा रूट पाँच दिया हुआ है तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा एक बट्टा पाँच ठीक है रूट पांच का स्क्वायर पाँच होता है अगर टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू ये है तो कॉट स्क्वायर का कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का हो जाएगा इसका उल्टा यानी कि पांच ठीक है क्योंकि टेन बराबर होता है वन बट्टा कॉट या कॉट बराबर वन बट्टा टेन तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो ये आ गया अब देखिए कौसे स्क्वायर का यहाँ से निकालते हैं कॉट स्क्वायर प्लस वन करना है कॉट का वैल्यू पांच है यानी कि पांच प्लस एक बराबर हो जाएगा उसी तरह से स्क्वायर का भी यहाँ निकाल सकते हैं टेन स्क्वायर प्लस वन यानी एक बट्टा पाँच प्लस एक ये कितना होगा पाँच एक का पाँच एक छः बट्टा पाँच तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए इस समीकरण में निकल जाएगा कौ तो के स्क्वायर का छः आया है छः माइनस छः के स्क्वायर का देना है यानी कि छः बट्टे पाँच एल पाँच आएगा पाँच छः के तीस में से छः माइनस करेंगे तो चौबीस ठीक है तो चौबीस बट्टे पाँच इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आगे बढ़ते हैं एक कार पैंतालीस मिनट में अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए पैंसठ किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है 36 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए इसकी गति कितनी होनी चाहिए देखिए इसका टाइम है और स्पीड है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्पीड है पैंसठ और टाइम है पैंतालीस मिनट मिनट में है और मिनट में ही बाद वाला समय दिया हुआ है तो हम लोग इसको साठ से डिवाइड करके घंटा में नहीं बदलेंगे क्योंकि बाद में साठ और साठ को काटना ही है तो रहने देते हैं इसको ये हो गया डिस्टेंस अब इस डिस्टेंस को 36 मिनट में कवर करना तो 36 से डिवाइड जब करेंगे तो नया स्पीड निकल जाएगा तो ये कितना आएगा नौ चौके छत्तीस नौ पचे पैंतालीस पहले गुना कर लेते हैं पाँच पच्चीस बचा दो पाँच छः तीस दो बत्तीस तीन सौ पच्चीस बट्टा चार डिवाइड करेंगे चार अट्ठे बत्तीस चार एकां चार बाद दो पाँच आएगा ठीक है यानी इक्यासी दशमलव दो पाँच इस सवाल का सही आंसर होगा अगला सवाल देखते हैं एक भिन्न को जब सात बट्टे तीन में जोड़ा जाता है तो उत्तर चार आता है तो भिन्न का मूल्य क्या होगा देखिए जो उत्तर आता उसमें से ये वाला माइनस करेंगे हमेशा करते हैं इस तरह से चार माइनस सात बट्टे तीन तो ये कितना होगा नीचे तो तीन आएगा तीन चौके बारह बारह में से सात माइनस करेंगे तो पांच यानी कि पांच बट्टे तीन इस सवाल का सही आंसर होगा इसको थोड़ा बदल देते हैं तीन एक का तीन, दो आएगा, नीचे तीन, एक पूर्णांक दो बट्टीन ऑप्शन नंबर डी आगे देखते हैं इसी चार सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने से एक सेंटीमीटर का टुकड़ा काट दिया गया हर ऐसे टुकड़े में एक कोन है इसकी परिधि कितनी है और इस प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्र कितना होगा ठीक है यहाँ जो ये यह सेंटेंस है हर ऐसे टुकड़े में एक कोने इसका मतलब है कि हर एक कोने से एक टुकड़ा काटा गया ठीक है इंग्लिश में यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ तो एक वर्ग यहाँ पर बनाते हैं वर्ग का भुजा है चार सेंटीमीटर का यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया चार सेंटीमीटर अब इस तरह से यहाँ पर कोना काट के इसका निकाल दिया गया है चारों कोना और ये दूरी जो है एक सेंटीमीटर का ठीक है ये एक है तो ये भी एक होगा साव ही का एक एक होगा इस तरह से तो ये वाला जो डिस्टेंस बचा है बीच वाला टोटल तो चार है उसमें से एक इधर हो गया एक इधर हो गया तो बचा बीच वाला दो सेंटीमीटर का यहां से यहां तक का डिस्टेंस दो जब ये दो है तो सभी दो ही होगा ठीक है अब देखिए ये एक है ये एक है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा ये ये जो है ये त्रिभुज कौन सा है समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कौन समकोण होता है ये समकोण त्रिभुज है एक है एक है तो पाइथागोरस से कितना आएगा रूट दो आएगा ये रूट दो है तो सभी रूट दो ही होगा ठीक है तो यहां से परिमाप निकालना आसान है आराम से इसको सबको जोड़ेंगे तो निकल जाएगा तो देखिए दो दो चार दो छ छः दो आठ आठ हो गया उसके बाद रूट वाला को जोड़ते हैं दो एक दो तीन चार बार है तो प्लस हो गया चार रूट दो ये हो गया परिधि ठीक है ये तो आ गया आंसर में देख लेंगे ऑप्शन में ये, ये पहला ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये सही आंसर होगा लेकिन इसका क्षेत्रफल भी पूछ रहा है तो वो भी निकालेंगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा चार का स्क्वायर उसमें से ये जो चार त्रिभुज है छोटा छोटा कोना पे इन चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा देखिए एक भुजा एक है एक है ऊंचाई भी एक है और आधार भी एक है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक बट्टा दो गुना आधार यानी एक गुना ऊंचाई यानी कि एक तो ये जब कटाएंगे तो कितना आएगा एक बट्टा दो ये एक त्रिभुज का आया है तो इस तरह का चार त्रिभुज है तो चार से गुना भी करेंगे तो टोटल क्षेत्रफल कितना आएगा दो गुना चार यानी कि दो आ रहा है ठीक है तो वर्ग का क्षेत्रफल में से टोटल जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दो आया वो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा चार चौके सोलह में से दो माइनस करेंगे तो चौदह ये आ गया हमारा क्षेत्रफल चौदह सेंटीमीटर स्क्वायर तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ठीक है चौदह और ये आगे बढ़ते हैं किसी घन के सभी किनारों का योग किसी वर्ग के परिमाप का दोगुना है यदि घन के आयतन का मान का चौथाई भाग संख्या में मान वर्ग के क्षेत्रफल के सांख्यिक के मान के बराबर हो तो वर्ग की एक भुजा का मान क्या होगा देखिए घन का जो किनारा है मान लेते हैं वो x सेंटीमीटर का और वर्ग का जो भुजा है वो है y सेंटीमीटर का तो यहाँ पर क्या कंडीशन दिया हुआ कि घन के सभी किनारों का योग ठीक है तो घन में टोटल बारह किनारा होता है सबका योग कितना हो जाएगा बारह एक्स ठीक है पिछले क्लास में भी इस तरह का सवाल कर चुके हैं और यहाँ वर्ग का परिमाप का दो गुना है तो वर्ग का परिमाप कितना होगा चार गुना भुजा होता है यानी कि चार वाई हो जाएगा अब जो कंडीशन यहाँ दिया हुआ उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे यानी किनारों का योग यानी कि बारह एक्स जो है वो चार वाई का दो गुना है यहाँ पर कर रहा है परिमाप का दो गुना है तो दो से गुना कर दिए अब इसको कटाते हैं चार या बारह तो ये आ गया तीन एक्स बराबर दो वाई ठीक है इसको यहाँ पर रहने देते हैं अब अगला कंडीशन देखते हैं यदि घन के आयतन का मान का एक चौथाई अब देखिए घन का आयतन क्या होगा इसका घन का जो किनारा है वो एक्स मान है तो आयतन हो जाएगा एक्स का क्यूब ठीक है इसका चौथाई भाग यानी कि इसको जब चार से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पर कह रहा है इसका जो है वर्ग का क्षेत्रफल का मान के बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा भुजा है वाई तो क्षेत्रफल हो जाएगा वाई का स्क्वायर ये हो गया दूसरा कंडीशन का अब यहाँ पर पूछ क्या रहा हमसे वर्ग की भुजा देखिए इस समीकरण में वर्ग की भुजा कौन सी वाई है तो एक्स को यहाँ से इलिमिनेट करना होगा जब एक्स को इलिमिनेट करना है तो यहाँ से एक्स का वैल्यू जो है वाई के रूप में यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा ये दो वाई को ऐसे रहने देते हैं तीन को इस तरफ ले आते हैं तो एक्स का वैल्यू आ गया दो वाई बट्टा तीन ये वैल्यू यहाँ रख देंगे यानी कि दो वाई बट्टा तीन का क्यूब और नीचे चार भी है तो चार रहने देंगे बराबर वाई का स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा देखिए दो वाई का जब क्यूब करेंगे तो दो दूना चार दूना आठ वाई क्यूब आएगा और नीचे आ जाएगा तीन का क्यूब यानी कि सत्ताईस और ये चार पहले से है वो भी रहने देंगे बराबर वाई का स्क्वायर तो ये चार से दो बार में कट जाएगा ठीक है और यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर है यहाँ वाई क्यूब है तो वाई पर पावर दो को काट देते हैं ठीक है तो बचेगा वाई हमारे पास वाई बचेगा ये सत्ताईस उस तरफ जाएगा ऊपर चला जाएगा और नीचे ये दो आ जाएगा इसको जब कटाएंगे तो तेरह दशमलव पाँच इसका सही आंसर आ जाएगा वाई का वैल्यू पूछ रहा था वर्ग का भुजा जो कि माने थे वाई वाई का वैल्यू आया साढ़े तेरह ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं दिए गए ग्राफ के अनुसार उच्चतम कमाई डैश को यानी किस दिन उच्चतम कमाई हुई है देखिये सबसे ऊपर ग्राफ किस दिन है यहाँ पर है ये पॉइंट किस दिन को दर्शाता है थर्सडे है ना यानी कि बृहस्पतिवार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आगे बढ़ते हैं एक सम समुज और एक सम द्वादश भुज के आंतरिक कोणों का अनुपात क्या होगा ठीक है एन इंटीरियर एंगल यानी कि एक आंतरिक कोण का अनुपात पूछ रहा है यहाँ पर अनुपात निकालना है एक एक कोण का तो समसठ भुज है यानी कि छह भुजा वाला तो यहाँ पर एक छः भुजा वाला है इसका आंतरिक कोण कितना हो जाएगा देखिए जब छः भुजा रहे यानी कि एन बराबर छः है तो इसका पहले हम लोग बाह्य कौन निकालेंगे ठीक है एक्सटेरियर एंगल तो एक्सटेरियर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे तीन सौ साठ में जितना भुजा है उससे डिवाइड करेंगे छः से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा साठ डिग्री आएगा ये बाह्य कोण हो गया तो इंटीरियर एंगल यानी कि आंतरिक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे 180 में जो कोण आया है 60 वो माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा एक सौ बीस डिग्री इसी तरह से यहां पर बारह भुजा वाला जो है सम द्वादश सम द्वादश भुज को बारह भुजा कहते हैं यानी कि एन बराबर यहां बारह है तो यहां से एक्सटीरियर एंगल इसका कितना आएगा तीन सौ साठ डिवाइड करेंगे इसको बारह से ये आ जाएगा तीस डिग्री तो इसका इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा एक सौ अस्सी में तीस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा एक सौ पचास बस देखिए ये छह भुजा वाला का एक सौ बीस आया है एक कोण और बारह भुजा वाला का एक कौन कितना आया है एक सौ पचास इन दोनों का रेशियो निकालना है यानी कि एक सौ बीस अनुपात एक सौ पचास तीस से कटाएंगे तीस चौके एक सौ बीस तीस पंचा एक सौ पचास यानी कि चार अनुपात पांच इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है आगे बढ़ते आठ परसेंट वार्षिक दर से तीन वर्ष का साधारण ब्याज नौ परसेंट वार्षिक दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज से नब्बे रुपया अधिक है मूलधन कितना होगा ठीक है देखिए मूलधन दोनों कंडीशन में बराबर है यहाँ पर कह रहा है सेम सम तो यहाँ आठ या चौबीस परसेंट हो रहा है और दूसरा कंडीशन में नौ परसेंट गुना दो यानी कि अठारह परसेंट यहाँ हो रहा है दोनों का अंतर कितना है छः परसेंट का जबकि रुपया में यहाँ कितना अंतर है नब्बे का यानी छः परसेंट नब्बे के बराबर होगा मूलधन हमेशा सौ परसेंट होता है तो सौ परसेंट का वैल्यू यहाँ पर निकालना होगा देखिए ये पंद्रह गुना है ठीक है पंद्रह छः के नब्बे होता है इधर भी पंद्रह गुना करेंगे तो पंद्रह सौ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़ते हैं निम्न संख्याओं में से किसका वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी देखिए जिसका वर्गमूल पूर्णांक में आएगा वो तो परिमेय होगा जिसका वर्गमूल पूर्णांक में नहीं आएगा वो अपरिमेय होगा तो यहाँ पर देखिए इसका आ जाएगा पच्चीस ठीक है पच्चीस का स्क्वायर होता है ये किसका है पचपन का स्क्वायर है ठीक है पच्चीस पच्चीस पाँच छः इकतीस और ये बारह सौ पच्चीस पैंतीस का स्क्वायर है सबका पूर्णांक आ रहा है लेकिन इसका जब करिएगा तो देखिए इसका नहीं आएगा इसका जब वर्गमूल लीजिएगा तो 625 सौ गुना तीन इसको लिख सकते हैं 625 का वर्गमूल तो 25 आ जाएगा ठीक है लेकिन तीन यहाँ पर आपको रूट में बच जाएगा जब तीन बच जाएगा तो रूट में इसका कुछ नहीं किया जा सकता है तो इसका मतलब ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है आगे बढ़ते हैं ये हुए ग्राफ के आधार पर आमदनी में अंतर सबसे अधिक डैश के बीच था इन दो दिनों के बीच में आमदनी का अंतर सबसे अधिक था यहाँ देखिए ये जो ग्राफ है लाइन ग्राफ ये कहाँ पर सबसे बड़ा नजर आ रहा है देखिए यहाँ यहाँ पर सबसे बड़ा नजर आ रहा है उसके बाद ये भी लग रहा बराबर देख लेते हैं चेक करके ये कितना है ये सौ है और यहाँ पर पाँच सौ है इन दोनों का गैप है चार सौ का और यहाँ पर इसके बाद लग रहा है ये है कितना तीन सौ और ये है छह सौ से ज्यादा लेकिन सात सौ से कम ही है तो यहाँ तीन और सात के बीच चार सौ का अंतर है लेकिन उससे नीचे है तो चार सौ से कम का अंतर होगा तो ये वाला जो आंसर है सही होगा यानी कि ये और ये संडे और मंडे रविवार और सोमवार इस सवाल का सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं एक गोलाकार को एक अनुपात तीन में अनुपात में विभाजित किया जाता है बड़े हिस्से को एक शंकु के रूप में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के बराबर है जबकि छोटे हिस्से को एक सिलेंडर में ढाला जाता है जिसकी ऊंचाई इसके आधार के त्रिज्या के बराबर होती है शंकु के आधार की त्रिज्या के साथ सिलेंडर की ऊंचाई का अनुपात क्या है ठीक है देखिए पहले एक शंकु बना लेते हैं छोटा सा यहाँ पर और यहाँ पर कह रहा है कि शंकु का जो ऊंचाई है इसका त्रिज्या के बराबर है यानी कि जब ये आर है और ये एच होगा यानी कि ऊंचाई है तो ये भी आर ही होगा ठीक है दोनों बराबर ऊंचाई का होगा बराबर लंबाई का और एक सिलेंडर यहाँ पर बना लेते हैं इस तरह से सिलेंडर में भी कंडीशन दिया हुआ है कि इसकी ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है यानी कि जब इसका त्रिज्या आर है तो ऊंचाई भी कितना होगा आर ही होगा क्या अब यहाँ जो कंडीशन कर रहा है उसके अनुसार लगा देते हैं फॉर्मूला क्या होता है शंकु का आयतन पहले निकालेंगे वन बाय थ्री बाय आर स्क्वायर एच होता है तो देखेंगे कि पूछ क्या रहा है किसका अनुपात त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है शंकु का और सिलेंडर का ऊंचाई पूछ रहा है तो शंकु वाला जो है वो त्रिज्या लेंगे ठीक है यानी कि पाई आर स्क्वायर एच एच भी इसका आर ही होगा क्योंकि दोनों बराबर है तो या त्रिज्या पूछ रहा तो त्रिज्या के रूप में लिखेंगे ठीक है उसके बाद अब लिखते हैं इसका बेलन का यानी कि सिलेंडर का सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच यानी कि देखिए आर और एच दोनों बराबर है यहाँ ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है तो दोनों को एच लिखते हैं ठीक है एच और ये अगर एच होगा तो ये भी एच होगा अगर आर है तो आर भी होगा दोनों बराबर है एच आर कुछ भी हो सकता है ठीक है दोनों को एच के रूप में लिखते हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर गुना एच करेंगे इन दोनों का जो आयतन का अनुपात होगा वो गोला को जो दो अनुपात में बांटा गया है एक अनुपात तीन में वो होगा लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि बड़ा हिस्सा शंकु है तो इसका बड़ा हिस्सा तीन है तो तीन को शंकु के सामने देंगे और एक को बेलन के सामने है, ठीक है पाए पाए कट जाएगा उसके बाद बचेगा हमारे पास आर का क्यूब नीचे बचेगा एच का क्यूब देखिए ये तीन अगर उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा नौ बट्टा एक यहां से जो क्यूब है यानी कि पावर तीन है इसको जब हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास यानी आर और एच का रेशियो आएगा रूट के अंदर रहेगा नौ लेकिन करनी में इसका जाएगा तीन यहां पर पावर तीन है तो ये करनी में चला जाएगा एक पर कोई फर्क नहीं पड़ता एक को एक ही रहने देंगे तो ये इसका सही आंसर निकल के आया है ऑप्शन नंबर बी ठीक है आगे बढ़ते हैं पांच बट्टा सात में निम्नलिखित में से किस भिन्न को जोड़ने पर एक प्राप्त होगा सिंपल है एक में पाँच बट्टे सात माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा सात एक का साथ सात में से पाँच माइनस करेंगे तो दो बट्टा सात ठीक है ठीक है ऑप्शन जो आंसर लिया छः बट्टा इक्कीस ये दो बट्टा सात ही है इसका तीन गुना करके लिखा इधर भी तीन गुना कर दिया नीचे ऊपर यानी कि छः बट्टा इक्कीस हो गया ये फंसाने के लिए दिया है आगे बढ़ते हैं पंद्रह को सबसे छोटी संख्या ऐसी कौन सी संख्या से विभाजित किया जाए कि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो देखिए सबसे पहले पंद्रह को इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे नहीं तो अगर आपको आता है तो इससे ऑप्शन से डिवाइड करके निकाल सकते हैं देखिए दो से अगर डिवाइड करेंगे तो ये सात सौ चौरासी आएगा जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या अट्ठाइस का स्क्वायर है ये ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा चार ऑप्शन नंबर डी लेकिन इसको बेसिक से बना लेते हैं एक बार दो से डिवाइड करेंगे दो सत चौदह दो अट्ठे सोलह दो चौकाठ सात सौ चौरासी दो से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा तीन सौ बिरानवे फिर दो से डिवाइड करेंगे एक सौ छियानवे फिर दो से डिवाइड करेंगे अंठानवे फिर दो से करेंगे उनचास फिर सात से करेंगे तो सात भर में अब यहाँ पर पेयर बना लेना है सात सात का पेयर बन रहा है दो दो का पेयर बन रहा है फिर से दो का पेयर बन रहा है ये वाला एक दो बच गया है तो अगर भाग वाले भाग के बारे में पूछे कि कौन सी संख्या से भाग दिया जाए या विभाजित किया जाए तो यह आएगा और गुना भी जब करना है तो इसी का एक पेयर बनाएंगे तो पेयर बनाने के लिए दो से गुना करना पड़ेगा ठीक है तो गुना रहे या भाग रहे दोनों में दो ही आ जाएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आगे बढ़ साठ का अठारह परसेंट डैश का चौवन परसेंट है ठीक है साठ का जो है अठारह परसेंट बराबर है ये डैश का जो एक्स मान लेते हैं यानी एक्स का चौवन परसेंट है तो यहाँ देखिए अठारह से तीन बार में कटेगा ये तीन से इसको कटाते हैं बीस बार में तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया है बीस ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है आगे बढ़ते यदि अंजू हिंदी में अस्सी में से अड़सठ गणित में साठ में छियालीस विज्ञान में नब्बे में से चौहत्तर और अंग्रेजी में पैंतालीस में, में से चौंतीस अंक प्राप्त करती है तो उसे अधिकतम प्रतिशत अंक किस विषय में प्राप्त हुए देखिए हिंदी में जो है ठीक है यहाँ लिखते हैं हिंदी में अड़सठ अंक प्राप्त किया है अस्सी में ठीक है अड़सठ प्राप्त किया है अस्सी में तो ये अस्सी हो जाएगा बेस वैल्यू उसके बाद गणित में ये गणित में छियालीस अंक प्राप्त किया है 60 में और विज्ञान में चौहत्तर अंक प्राप्त किया है नब्बे में से ठीक है उसके बाद अंग्रेजी में अंग्रेजी में चौंतीस अंक प्राप्त किया है टोटल पैंतालीस नंबर में से अब कहने का मतलब इसका यह है कि इन भिन्न में से बताइए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है ठीक है तो चाहे तो नीचे वाला जो अस्सी साठ नब्बे पैंतालीस है सबको सौ बना लीजिए या बराबर कर लीजिए उसके बाद पता चल जाएगा नहीं तो इसको डेसीमल में करना पड़ेगा देखिए चार से कटाएंगे सत्रह चार से बीस सत्रह बट्टा बीस हो रहा है ठीक है तो दो से पहले सत्रह में डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा साढ़े आठ ठीक है लेकिन यहाँ जीरो भी है तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा पहले दशमलव यहाँ था लेकिन जीरो के बदले दशमलव यहाँ आ गया यानी जीरो दशमलव आठ पाँच हो गया पा। इतना आ गया इसका वैल्यू इसको भी उसी तरह से करते हैं छः से पहले छियालीस को डिवाइड कर देते हैं ये आ जाएगा छः सत्तर बयालीस उसके बाद छः छा के छत्तीस ठीक है छः सत्तर बयालीस पचास चार छः छाके छत्तीस हो रहा है एक दशमलव तो यहाँ आएगा लेकिन जीरो के बदले दशमलव यहाँ पर आ जाएगा ये आ गया जीरो दशमलव सात छः विज्ञान का भी इसी तरह से करते हैं ये नौ से इसको डिवाइड करेंगे नौ अट्ठे बहत्तर और फिर से दो बचा यानी कि नौ दुना अठारह दशमलव यहाँ पर लगे यानी जीरो दशमलव आठ दो हो गया इसको पहले आप दो से गुना कर लीजिए यानी कि अड़सठ बट्टा नब्बे कर लीजिए अब नौ से अड़सठ को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा नौ सौ तिरसठ पाँच बचा यानी कि नौ बचे पैंतालीस दशमलव यहाँ पर आएगा अब इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है देखिए यहाँ पर पचास यानी आठ पाँच है आठ दो है तो सबसे बड़ी यहाँ पर है जीरो दशमलव आठ पाँच जो कि है हिंदी का तो इस सवाल का सही आंसर होगा हिंदी ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़ते हैं त्रिभुज एबीसी में ए बराबर बारह सेंटीमीटर है एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से ए बी सी ए बी है बारह सेंटीमीटर कौन ए आंतरिक रूप से बी सी को डी पर काटने के लिए द्विभाजित किया जाता है ठीक है कौन ए का जो समद्विभाजक है इस तरह से बी सी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ये कौन समद्विभाजक है बी डी बराबर सात सेंटीमीटर यानी ये है सात और डी सी है आठ दशमलव सात पाँच तो सी ए की लंबाई यानी इसका लंबाई पूछ रहा है ठीक है ये कौन समद्विभाजक जब रहे तो क्या करते हैं हम लोग जो रेशियो इन दोनों का है वही रेशियो इन दोनों का भी होगा तो इन दोनों का रेशियो क्या है यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं सात से कटाते हैं सात एक का सात सात एक का सात सात दो चौदह सात पचास पैंतीस यानी एक दशमलव दो पांच देखिए एक का वैल्यू बारह है यानी बारह गुना है तो इधर भी बारह गुना होगा यानी कि बारह गुना एक दशमलव दो पांच करना है तो ये कितना आएगा बारह एक का बारह आएगा बारह का एक चौथाई तीन हो जाएगा यानी कि बारह प्लस तीन पंद्रह सेंटीमीटर इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़ते हैं इतना लंबी स्टील की एक छड़ से एक इतना लंबी छड़ काट दी गई है बचे हुए छड़ की लंबाई कितनी है देखिए छोटी लंबाई है ये बड़ी तो छोटी में से बड़ी नहीं काट सकते हैं इंग्लिश में यहाँ पर सही है इतना का जो है कट आउट फ्रॉम रॉड ऑफ लेंथ इतना यानी इतना में से इतना को काटा गया यानी कहने का मतलब इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस कर देते हैं पचास पूर्णांक एक बट्टे पाँच माइनस बीस पूर्णांक तीन बट्टा छब्बीस तो पहले पूर्णांक वाला जो है पचास में बीस माइनस कर देते हैं ठीक है पचास नहीं है छप्पन है तो छप्पन में बीस जब माइनस करेंगे तो छत्तीस आएगा उसके बाद देखिए एक बट्टे पाँच में तीन बट्टा छब्बीस माइनस करना है तीन बट्टा छब्बीस ठीक है ये कोष्टक में रख देते हैं तो ये कितना आएगा एलसीएम इसका एक सौ तीस आएगा छब्बीस गुना एक छब्बीस होगा माइनस पाँच दिया पंद्रह होगा यानी छब्बीस में पंद्रह माइनस करेंगे तो ग्यारह बट्टा एक सौ तीस तो छत्तीस और 11 बट्टा एक इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग वर्गमूल अपरिमय है तो उसी तरह एक सवाल कर चुके हैं आप लोग अपने से ट्राई कर लीजिए इसका देखिए ये उनतीस का चौवन का स्क्वायर है ये ठीक है चौवन का ये है कितना का स्क्वायर होगा चौवालीस सौ नवासी है ठीक है निकालना पड़ेगा इसको याद नहीं है जैसे लगाएंगे छः छः का छत्तीस बचेगा आठ नवासी नीचे आएगा छः दू ना बारह हो गया ये सात बार में जाएगा ठीक है ये सड़सठ सड़ का स्क्वायर है और ये बत्तीस का तो स्क्वायर है ही तो इसका स्क्वायर पूरा नहीं आएगा पूर्णांक में ठीक है तो इसका आंसर ए हो जाएगा आगे बढ़ते दिए गए समीकरण का मान निकालना है कि पहले इसको डिवाइड कर देते हैं यानी कि छः से इस मान को डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा छः से इसको कटा देते हैं छः बार में छिया अठारह हो गया ठीक है इसका वैल्यू कितना हो गया अठारह अब देखिए छः है प्लस में और पाँच है प्लस में और अठारह है माइनस में यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो छः पाँच ग्यारह हो गया उसमें ये वाला अठारह माइनस कर देते हैं तो ग्यारह में जब अठारह माइनस करेंगे तो माइनस सात इसका सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं मुग्धा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को अठारह दिन में पूरा कर सकती है हालांकि मयूरी अकेले काम करती है और कार्य का दो बट्टा पाँच भाग को पूरा करने के बाद इसे छोड़ देती है और फिर मुग्धा कार्य करना शुरू करती है और शेष कार्य को अकेले पूरा करती है दोनों कार्य को उनचालीस दिन में पूरी करती है मयूरी ने मुग्धा की तुलना में तेज तेजी से कार्य किया तो मुग्धा को अकेले इस कार्य को करने में कितने दिनों का समय लगेगा देखिए इस तरह का सवाल पहले भी आ चुका है इसमें समीकरण बनाना होगा एक तो मान लेते हैं कि मुग्धा x दिन में करती है और मयूरी y दिन में करती है तो इसका जो पहला समीकरण हो जाएगा वो होगा ये मुग्धा का एक दिन का काम यानी एक बट्टा हो जाएगा और मयूरी का एक दिन का काम कितना होगा एक बट्टे वाई हो जाएगा और दोनों का एक दिन का काम कितना है यहाँ पर अठारह दिन में कर रही है तो दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा एक बट्टे अठारह ठीक है ये पहला समीकरण दूसरा यहाँ पर देखिए मयूरी अकेले काम करती है और कार्य दो बट्टे पाँच भाग पूरा करने के बाद चली जाती है मयूरी का कितना है वाई है तो पूरा काम वाई दिन में करती है तो दो बट्टे पाँच भाग करने में कितना लग जाएगा दो वाई बट्टा पाँच दिन दो बट्टा पांच भाग अगर मयूरी करती है तो मुग्धा कितना करती होगी पूरा तो काम में से दो बट्टा पाँच, जब माइनस करेंगे तो शेष आएगा तीन मुग्धा करती होगी तो मुग्धा टोटल काम एक्स दिन में करती है तो इतना काम करने में कितना टाइम लगे तीन एक्स बट्टा पांच ठीक है इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो उनचालीस दिन आएगा तो बराबर करेंगे उनचालीस ठीक है यह दूसरा समीकरण हो गया अब इस तरह का सवाल पहले भी कर चुके हैं और बता चुके हैं कि ऑप्शन से मान को रखना है और सेटिस्फाई करा लेना है क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत कठिन है ठीक है आप लोग अपने से ट्राई कर लीजिए इसको आंसर निकाल लीजिए आगे बढ़ते हैं यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य पच्चीस सौ बिरानवे और लाभ आठ परसेंट है तो इसका क्रय मूल्य कितना है देखिए लाभ है आठ परसेंट तो विक्रय मूल्य कितना हुआ होगा सौ परसेंट तो हमारा होता है क्या क्रय मूल्य होता है इसमें आठ परसेंट का लाभ भी है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा एक सौ आठ परसेंट इसी का वैल्यू यह दिया हुआ है यानी कि दो जो है एक का वैल्यू है रैम पूछ रहा है यानी कि सौ परसेंट का परसेंटेज नहीं लिखते हैं क्योंकि बाद में कटाना ही होता है तो इसको चार से कटाते हैं चार से पच्चीस बार में चार से ये कट जाएगा सत्ताईस बार में नौतिया सत्ताईस नौ से ये कटेगा नौ दोनों 18 अठारह सात उनासी हुआ नौ अठे बहत्तर फिर से नौ अठे बहत्तर कटेगा तीन से इसको कटाएँगे नौतिया सत्ताईस और तीन छा के अठारह छियानवे गुना पच्चीस करना है ठीक है तो इकाई अंक जीरो आ रहा है तो ऑप्शन नंबर दो ठो ऑप्शन में जीरो है तो गुना ही कर लेते हैं पच्चीस छ के एक सौ पचास पच्चीस नंबर दो सौ पच्चीस तो यह आएगा जीरो जीरो चार दो यानी चौबीस सौ ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं दिए गए क्रम में प्रथम सोलह अंकों का योग क्या होगा ठीक है ये ए पी है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? पहला पद जो छ है वो हमारा ए हो गया और ये तेरह बटा दो को छः दशमलव पाँच लिखेंगे इस तरह सात है उसके बाद साढ़े सात आएगा फिर आठ आएगा इस तरह से जाते रहेगा तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए जीरो दशमलव पाँच का है ये हो गया डी ठीक है तो सोलह अंक यहाँ पर दिया हुआ है ये सोलह जो है ये क्या है एन है तो लास्ट टर्म हम लोग निकाल लेते हैं जो जहाँ तक पूछा जा रहा है तो लास्ट टर्म निकालेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से ए है कितना छ प्लस एन माइनस वन यानी कि एन है सोलह सोलह माइनस एक करेंगे तो पंद्रह आएगा गुना डी डी कितना है कॉमन डिफरेंस जीरो दशमलव पांच का है तो ये आएगा गुना करेंगे तो इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा साढ़े सात साढ़े सात प्लस छः करेंगे तो साढ़े तेरह यानी तेरह दशमलव पांच यह आ गया अंतिम पद अब योग निकालना है योग पूछ रहा है तो सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है जब लास्ट पद पद दिया रहे तो क्या होता है एनबट्टा दो इंटू ए प्लस एल यानी कि पहला पद और जोड़ दूसरा अंतिम पद है ठीक है तो एन है सोलह सोलह रखेंगे बट्टा दो ए है कितना यहाँ पर देखिए छः है प्लस एल कितना है यहाँ पर निकाले हैं साढ़े तेरह तेरह दशमलव पाँच दोस्त तो इसको कटाएंगे आठ बार में तेरह छः उन्नीस दशमलव पाँच यानी आठ गुना उन्नीस दशमलव पाँच करना है तो ये आ जाएगा उन्नीस अट्ठाईस एक सौ बावन फिर आठ का आधा चार एक सौ बावन और चार एक सौ छप्पन तो एक सौ छप्पन इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ये लास्ट सवाल था वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर